नमस्कार मित्रों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के मार्ग को प्रदत्त करना है और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य और सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति नाना प्रकार के जतन करता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी होती है कि एक आवश्यकता अगर पूर्ण होती है तो व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता उसके सामने नजर फैलाए खड़ी नजर आती है। और ऐसे समय में व्यक्ति हर प्रकार के जतन करता है, परेशान रहता है, दुखी होता है और उन्हीं भोगों की लालसा के लिए, उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए वो दर दर भटकता है। मगर आज के इन सब दुखों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में विशेष प्रकार के मंत्र साधनाएं हमारे ऋषि मनीषी और साक्षात भगवान शंकर और देवताओं के द्वारा प्रदत्त दी गई है, परंतु मनुष्य के पास समय नहीं है कि वो इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इनका उपयोग कर सके और इनका उपयोग करके अपने जीवन के दुखों को दूर कर सके। और जो लक्ष्य या जो सुख, चाहे किसी भी प्रकार का सुख है, चाहे भौतिक है, चाहे आध्यात्मिक है या सांसारिक है, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए ये साधनाएं सुलभ होती है। यानी कि इन साधनाओं से, इन दिव्य अलौकिक साधनाओं की मदद से व्यक्ति अपनी प्रकार की हर प्रकार की समस्या का निदान पा सकता है, छुटकारा पा सकता है और वह सुख प्राप्त करने में सक्षम बन सकता है। विश्वामित्र मुनि के भी शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसूत, गंधर आदि, यहाँ तक कि देवी विश्रा और रत्न प्रभा ने भी अप्सरा सिद्ध करके अपार धन दौलत को प्राप्त करके अपने जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया था। और आप भी इस अप्सराओं को सिद्ध कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है और यों अप्सराओं की संख्या 51 या 100 तक भी है, मगर प्रमुख अप्सराएं 11 या 21 होती है, जिनमें कि नाभि दर्शना अप्सरा साधना भी विशेष रूप से कई लोग करते हैं, जो कि हमारे तंत्र शास्त्र के माध्यम से प्राप्त की जाती है और तंत्र शास्त्र के अनुसार ही इसका विधान है। तंत्र का तात्पर्य एक पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की शक्ति को प्राप्त करना होता है, जिसे कि मनुष्य मंत्र जप, तपस्या, तप और दृढ़ प्रतिज्ञता के आधार पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होगा वो इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अप्सराओं में विशेष रूप से उच्च कोटि की साधनाएं होती है, जिनमें तिलोत्तमा अप्सरा साधना, उर्वशी अप्सरा साधना, रत्नमाला अप्सरा साधना, रंभा अप्सरा साधना, कांचन माला अप्सरा साधना इत्यादि होती है। इसके अलावा गंधर्व लोक की अप्सराएं भी होती है और गंधर्व लोक की देवियां होती है, कुछ कुबेर लोक की देवियां होती है जिन्हें योगिनियां कहा जाता है और यक्षिणियां कहा जाता है। इसके अलावा किन्नरी साधना भी होती है, जिनमें सुबगा किन्नरी, पुष्प किन्नरी इत्यादि साधनाएं होती है। यह भी मित्र रूप में सिद्ध होकर के व्यक्ति के कार्य प्रदत्त करती है, उनके हर कार्य के अंदर छाया रूप में मदद करती है और उच्च कोटि का साधक इनसे प्रत्यक्ष रूप से भी मदद प्राप्त कर लेता है। यानी कि विशेष रूप से एकांत स्थान में बैठ करके और एकाग्रता के साथ में जो व्यक्ति अगर जप करता है और पूर्ण निष्ठा सच्ची भावना के साथ अगर वह मंत्र जप करता है, अवश्य ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो साधक सब लोग आकर्षित करने की और विशेष रूप से जिनको आकर्षण की शक्ति प्राप्त करनी होती है, यानी कि जो चाहे जिस व्यक्ति से जैसा काम करवाना हो वैसा कार्य अगर हो पाना संभव हो तो वो इन शक्तियों के माध्यम से भी पूर्ण हो जाता है और चेहरे पर एक प्रकार का नूर भी प्राप्त होता है, सुंदरता प्राप्त होती है, दिव्य तेज, दिव्य देह उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, जर्जरता भी उस व्यक्ति की समाप्त होती है जो कि अप्सरा साधना कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही ये उच्च कोटि की साधनाएं हमारे जीवन में हर प्रकार की मदद हमें प्रदान करती है, इसलिए इनकी साधना की जानी चाहिए। आज मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा साधना का विधान बता रहा हूं और ये साधना सरल है और भारी भी है, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होता है, प्रमादी होता है, उसके लिए हर कार्य कठिन होता है और जो व्यक्ति मेहनतकश होता है, जो एक लगन, एक प्रकार का उन्मेष उस व्यक्ति के अंदर होता है और ऐसी लगन के साथ में सच्चे मन की भावना से वो साधना करता है, पूर्ण मन लगा के साधना करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये साधनाएं बड़ी सरल है और अवश्य ही वो इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। नाभि दर्शना अप्सरा साधना 21 दिन की साधना है और
इस साधना को 11 दिन में भी संपन्न किया जा सकता है, बशर्ते उसमें मंत्र जप की संख्या ज्यादा होती है। और शुक्रवार की रात्रि से ही ये साधना शुरू की जाती है, या तो शुक्रवार की रात से या पूर्णिमा की रात से अप्सरा साधना आरंभ करनी चाहिए। साधक के पास में खुशबूदार गुलाब का इत्र हो और गुलाबी आसन या सफेद ऊन का आसन हो और एकांत स्वच्छ उसका कक्ष हो, कमरा हो, उसी में बैठ करके साधना की जानी चाहिए। साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साधना रात्रि काल में की जाती है और कम से कम 10 बजे के पश्चात ही अपने साधना में बैठना चाहिए। साधना करने से एक दिन पूर्व साधक को चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना कर रहा है, ये नियम तो वैसे सभी साधनाओं में, चाहे अप्सरा साधना है चाहे योगिनी साधना है, सभी के अंदर ये नियम लागू होता है कि अपने कक्ष को एक दिन पहले पूर्ण रूप से धो करके स्वच्छ कर ले और वातावरण सुगंधित कर ले, गूगल की धूप करे और खुशबूदार अगरबत्ती का इस्तेमाल करे। कमरा खिड़कीदार होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अगर ऐसा कमरा नहीं है तो मकान की या बिल्डिंग की छत पर जाकर के बैठ करके वह साधना करें। मुंबई के अंदर लोगों के मकान बिल्डिंगों के अंदर होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति परेशान होता है, मगर कोई व्यक्ति ऐसे भी साधक होते हैं जो किसी प्रकार से बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ करके एकांत स्थान में सबसे उच्च कोटि की साधना को संपन्न करते हैं। कई लोग ऐसे अभाव में मंदिरों की शरण लेते हैं, कोई मंदिर जो एकांत स्थान में होते हैं वहाँ जाकर के साधना करते हैं, चाहे वे मंदिर घर से 10 या 5 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, व्यक्ति जाकर के करते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं जो साइकिल पर अपनी साधना करने के लिए 10 किलोमीटर दूर नित्य मंदिर जाकर के दर्शन अपने साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और प्रातःकाल उधर ही रात्रि काल में विश्राम करते हैं और प्रातःकाल 4-5 बजे अपने घर को आते हैं और फिर अपना नित्य नियम करते हैं। तो ऐसे भी साधक होते हैं क्योंकि उनमें लगन होती है। तो व्यक्ति करने वाला साधना कैसे भी कर सकता है, ना करने वाले के पास में 1000 तरह के बहाने होते हैं, 1000 तरह की बाधाएं, यानी कि वो सब आलस्य प्रमाद का कारण है। इसलिए प्रमादी आलसी व्यक्ति को इन साधनाओं को करना भी नहीं चाहिए। कैसा व्यक्ति 1-2 दिन थोड़ा बहुत मंत्र जप करके छोड़ देगा, उसे होगा नहीं। और जो व्यक्ति सच में करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, जीवन के अंदर उपलब्धि हासिल करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए साधनाएं सुलभ है, वो व्यक्ति अवश्य ही कर सकता है। तो सबसे पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया, अगर घर में कर रहे हैं तो घर का कमरा स्वच्छ कर दीजिए। मंदिर में अगर कर रहे हैं, किसी मंदिर में, देवालय में, चाहे भगवान शिव का मंदिर है, अगर आप जाके कर रहे हैं तो अवश्य आपको सिद्धि जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि मंदिर में रात्रि काल में शांत वातावरण होता है। पुजारी से अनुमति लेकर के पुजारी को दक्षिणा प्रदान अगर कर दें तो पुजारी मंत्र जप करने का मना नहीं करेगा, नहीं तो मंदिर के, कोई बड़ा मंदिर है तो मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठ करके कर सकते हैं। कई साधक मैंने ऐसे देखे हैं जो कि निर्जन स्थान तक जाते हैं और वहाँ पर एकांत में बैठ करके किसी वृक्ष के नीचे दरी बिछा कर बैठ करके भी वह साधना करते हैं। तो इसलिए साधना करने वाला व्यक्ति कैसे भी साधना कर सकता है, और साधना के मंत्र जप का प्रभाव इतना होता है, चाहे शेर भी सामने आ जाए वो उस व्यक्ति को, साधक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इतना व्यक्ति के अंदर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए ऐसे इन स्थानों में नियत कोई भी स्थान का आप चयन करके साधना कर सकते हैं। और इस साधना में देशी घी का, शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित रखना है। घी को अगर मान लो आप खुले स्थान पर साधना कर रहे हैं तो आप ज्योत को, दीपक को ढकने के लिए आजकल कई प्रकार की वस्तुएं तांबे की मिलती है, कांच के पात्र भी मिलते हैं जिससे उसे ढका जा सकता है, नहीं तो 3 पत्थरों से भी आप ढक करके ज्योत को हवा से बचा सकते हैं और जला करके उसके पश्चात में खुशबूदार इत्र आप अपने शरीर पर और साधना यंत्र के ऊपर छिड़कें और यंत्र आपके सामने चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित करें। बीच में आपने 2 फुट की दूरी पर आपके आगे चावल 3-4 मुट्ठी रखें और उसे अपने अंगुलियों से ही अष्टदल बना दें और बीच में यंत्र को सीधा खड़ा कर दें। यंत्र को भी चावल की ढेरी के ऊपर खड़ा करें, गुटिका को यंत्र के पास रखें। यंत्र से आकर्षण होता है, गुटिका से उस स्थान का भान उन शक्तियों को मिलता है और वही गुटिका माध्यम बनती है। कई दफा साधक गुटिका को कान में डालते हैं तो उनको किस प्रकार की भूत भविष्य वर्तमान काल की बातें भी ज्ञात हुई है, ऐसा भी अनुभव कई लोगों ने पाया है। तो इसीलिए गुटिका भी बहुत काम आती है, गुटिका रखना भी बड़ा आवश्यक होता है। गुटिका कई प्रकार की होती है, अप्सरा साधना में अलग प्रकार की गुटिका का इस्तेमाल होता है जो कि हम प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात में आप कुमकुम, चावल और पुष्पों से पूजन करें। पूजन जैसे आप नॉर्मल पूजा अपने घर में करते हैं उसी प्रकार से पूजन करना है। और दूध की मिठाई का पहले दिन भोग लगाया जा सकता है और उसके पश्चात में ये बात ध्यान रहे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
और उसके पश्चात में साधना में एक बार मंत्र जप शुरू करने के बाद में उठना नहीं है, कम से कम 51 माला मंत्र जप की जरूरी है और शुरुआत 21 माला से कर सकते हैं, मगर 3-4-5 दिन के बाद में आपको संख्या 51 करनी आवश्यक होती है अगर दर्शन करना है तो। इस प्रकार से आप ये व्यवस्थाएं करने के पश्चात ही साधना में बैठें और उसके पश्चात इसका मंत्र जप प्रारंभ करें। साधना सामग्री अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सामग्री यंत्र दिया जाता है वो प्रतिष्ठित नहीं होता है, वो मात्र एक कॉपी होती है, वो काम का नहीं होता है। इसलिए अपने गुरु से ही पूजन और सिद्ध प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र ही प्राप्त करना चाहिए और माला भी गुरु से ही प्राप्त करें, पूर्ण सामग्री गुरु से प्राप्त करें और ताकि गुरु आपको पूर्ण विधान और नियम बता सके। इसलिए गुरु का इसमें होना आवश्यक होता है। गुरु से ही मंत्र लें और उसके पश्चात में साधना करें। ये नियम सभी अप्सरा की साधना के लिए है, चाहे आप नाभि दर्शन अप्सरा साधना करें, चाहे आप तिलोत्तमा अप्सरा साधना करें, चाहे उर्वशी अप्सरा साधना करें, सभी उच्च कोटि की साधनाएं हैं, सभी दिव्य अति दिव्य और हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम मित्र के रूप में सहभागी निभाने वाली साधनाएं हैं। हर प्रकार से ये साधनाएं सुलभ है और हमें हर प्रकार के भौतिक सांसारिक सुख प्रदान करने में सक्षम है। दोनों मंत्र मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं उर्वशी अप्सरा साधना का दिव्य मंत्र प्रदान करने जा रहा हूँ। ये साधना बड़ी गोपनीय है, ये मंत्र भी बड़ा गोपनीय है, गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने मंत्र संबोधित नहीं करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह उर्वशी अप्सरा का दिव्य अलौकिक सर्व सुख प्रदाता सुखाव मंत्र है। इस मंत्र की 51 माला नित्य करने पर देवी के अर्धरात्रि के समय दर्शन होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि अप्सरा साधना सा करने से पूर्व अप्सराओं की सभी अप्सराओं की आज्ञा लेने का मंत्र होता है, क्योंकि सभी अप्सराएं इनका अप्सराओं का लोक है और इंद्रलोक में निवास स्वर्ग लोक में निवास करती है और ये एक साथ में रहती है, एक झुंड में रहती है। तो इसीलिए जब भी कोई अप्सरा निकलती है, ये बात गौर से सुनिएगा, जब भी कोई अप्सरा निकलती है तो उनकी सारी सखियां अप्सराएं उनको लेकर ने देती नहीं है। इसलिए उन सभी अप्सराओं की आज्ञा लेने का मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वाप्सरस आगच्छ आगच्छ होम य य, ओम सर्वाप्सरस आगच्छ आगच्छ होम य य। यह मंत्र सभी अप्सराओं की आज्ञा का मंत्र है, इसकी अगर एक या दो माला कर ली जाए तो कोई प्रकार की बाधा नहीं आती है। इस प्रकार से उर्वशी अप्सरा साधना का मंत्र मैंने आपको बता दिया है और अप्सरा आह्वान का जो मंत्र है वो तो सभी अप्सराओं की साधनाओं में आवश्यक होता है, नित्य ही इसकी एक दो माला तो करनी ही पड़ेगी। और उसके पश्चात में नाभि दर्शन अप्सरा साधना का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम नाभि दर्शन अप्सराय आगच्छ आगच्छ प्रकटाय मम सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है मगर यह मंत्र सब कार्यों में सिद्धि प्रदाता है और इस मंत्र से जल्दी दर्शन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनके विशेष प्रकार के अनेक मंत्र होते हैं अलग अलग तंत्रों में, चाहे मतांतर तंत्र है, चाहे उड्डीस है, चाहे रत्नमाल तंत्र है, चाहे पुष्पमाल तंत्र है, चाहे कोई भी तंत्र है, चाहे बुडामर तंत्र है, हर तंत्र में अलग अलग मंत्र दिया गया, किसी में संक्षेप में छोटे मंत्र है, किसी में बड़े मंत्र है, मगर ये मंत्र ज़्यादा असर दिखाने वाला साबित हुआ है और यह मंत्र भी बड़ा ताकतवर मंत्र है। इसलिए इस मंत्र की सहायता से भी आप इस अप्सरा के दर्शन कर सकते हैं और दोनों ही साधना, चाहे उर्वशी अप्सरा साधना है चाहे ये साधना है, तो ये दोनों साधनाएं उच्च कोटि की साधनाएं मानी गई है, तो ये दोनों ही साधनाएं आप कर सकते हैं और एकांत स्थान में करने पर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। मन लगा करके एकाग्रता के साथ करने से सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।